हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है और इसमें गर्म करने के लिए तेल डाल दिया है। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। हमारा तेल हो चुका है, हमने शिमला मिर्च को काट के रखा हुआ था, अब हमने तेल में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से भुनने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमारी पहली वीडियो आप तक पहुंचे। ये देखिए, हमारी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी शिमला मिर्च पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। हम इसको तेल में से निकाल लेंगे इस तरह से करके। अगर आप इस तरह से शिमला मिर्च को बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। हम सारा तेल अच्छी तरह से करछी की मदद से अलग कर लेंगे ताकि जब हम इसको निकालें तेल ना निकल जाए साथ में। वैसे तो शिमला मिर्च कई तरीके से बनती है, पर मैं आज आपको अपने तरीके से बना के दिखाती हूँ कि ये मैं किस तरह से बनाती हूँ। अब हमारी सारी शिमला मिर्च निकल चुकी है और जिसमें थोड़ा सा तेल बच गया है, हम इसमें सब्जी को बनाएंगे। ये मैंने आलू उबाल रखे हैं पहले से ही, कुछ मसाले रखे हैं तैयार करके। ये टमाटर है। अब मैंने इसमें तेल में हींग डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा जीरा, और जीरे को चटकने तक छोड़ देंगे। जब हमारा जीरा थोड़ा लालपन पे आ जाए, हमारा तेल हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। मैंने इसमें प्याज डाल दी है जो कट करके रखी हुई थी। इसको अच्छी तरह से घुमा दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से घुमाते रहेंगे। ये मैंने टमाटर घिस के रखे हुए हैं पहले से ही। हमारी प्याज लालपन पे तक हो जाएगी। हम इसको अच्छी तरह से घुमाते रहेंगे। हमारी प्याज देखिए हो चुकी है। अब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, उसको छोड़ दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी जो पिसा हुआ है। हल्दी, ये हमारी हल्दी गई, और नमक स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च जो कलर वाली होती है, गरम मसाला, जीरा पाउडर जो मैंने पीस के रखा हुआ था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको एक मिनट तक ऐसे ही गैस पर स्लो करके हम अच्छी तरह से इसको, मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है। अब जो मैंने
टमाटर भीग के रखे हुए थे, अब मैंने इसमें छोड़ दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इससे हमारी शिमला मिर्च बहुत टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करना। कभी भी वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि उससे ही पता लगता है कि हमारी डिश कैसी बन रही है। ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो चुका है अच्छी तरह से। और अब मैंने जो आलू कट करके रखे हुए थे, अब मैंने ये छोड़ दिए हैं इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हमको आलू भी इसी साइज़ में काटने हैं जिस साइज में हमने शिमला मिर्च को कट करके कट किया था, उसी साइज में हमको आलू को कट करना है। ये देखिए, हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी है। ये देखिए, ग्रीन ग्रीन शिमला मिर्च कितनी अच्छी लग रही है आलू में डाल के। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो और थोड़ी देर के लिए इसको गैस पर भूनने के लिए छोड़ दो, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको बीच बीच में घुमाते रहना चाहिए। हमारी शिमला मिर्च बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए, कितनी टेस्टी लग रही है।